अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, मज़े में? तो भाई आज हमारे शहर में मेला लगा है, ये 3 दिन होगा, ये पूरे का पूरा 3 दिन में आपको ये मेला दिखाऊंगा। तो अभी हम चलते हैं, 2:30 बज गए हैं और रेस्टोरेंट करते हैं क्लोज और जाके देखते हैं मेला 2:30 बजे से। अभी आज ये पहला दिन है तो इतना ज़्यादा यहाँ आज नहीं होगा, कल और परसों जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो आज भी जाके डिस्कवर करते हैं, मैं पूरे का पूरा 3 दिन का मिला के आपको सारा दिखाऊंगा। तो लेट्स गो टुगेदर टू सी जैपनीज मेला। ये पूरे 3 साल बाद हो रहा है दोबारा से अभी स्टार्ट, जब से कोरोना आया था ये सब कुछ बंद था यहाँ पे ना, तो अभी इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया ये। तो अभी चलते हैं जाके देखते हैं। कैब की वजह से मेरे बालों का सत्यानाश हुआ हुआ है, ये कैब अभी उतार के रखते हैं और यूनिफॉर्म भी चेंज करते हैं। लेट्स गो देन, रेडी लेट्स गो। जी तो जनाब, तैयार हो के हम आ गए हैं मेले की तरफ। अभी मैंने मास्क नहीं पहना हुआ क्योंकि वहाँ जाके मैं मास्क पहन लूँगा, तो मैंने कहा थोड़ी सी गपशप लगा लेते हैं। लोग लाइनों में जा रहे हैं जी, वहाँ पे फुल एंजॉय माहौल है। तो अभी जाके देखते हैं 3 साल बाद निशिमा का कह लेंगे सबसे बड़ा जो मेला है, इसको इंजॉय करेंगे मिल के मैं और आप सब। सामने से साइकिल वाला आ रहा है, उसको इन्हें ठोक दूँ, ठीक है? ओके, वहाँ जाके अभी मिलते हैं आपको। तो जनाब हम पहुंच गए हैं मेले में 1 मिनट की वॉक के बाद और पुलिस की बहुत ही ज़्यादा नफरी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। वो पीछे इनकी ये डोली आ रही है, ये इनका एक कल्चरल त्यौहार है, ये देखें। अभी पुलिस खड़ी है, सिग्नल खुलेगा तो ये पुलिस ट्रैफिक को सख्ती से ज़्यादा से कंट्रोल करेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक फिर यहाँ से क्रॉस करेगी। ये सामने पहुँच गई है जी वो डोली जिसको लड़के और लड़कियाँ लेके आ रहे हैं। हम भी आपको अभी ये पूरी कवरेज दिखाएंगे। और वो ऊपर देखें, बच्चे ढोल लेके बैठे हुए हैं, ढोल भी बजा रहे हैं उसके ऊपर बैठ के भी। वाओ, बच्चे बाय बाय कर रहे हैं जी हमको, ये देखें ये हाथों से इसको लेके जा रहे हैं। और ये सामने लगे हुए हैं बच्चों के लिए जो फेस मास्क टाइप से होते हैं ना, कार्टून बने हुए होते हैं, हम भी जब बच्चे थे ये यूज़ करते रहे, बच्चे बच्चियाँ बल्कि बड़े भी। ये देखें इधर लड़कों ने भी लड़कियों ने भी लगाए हुए हैं अपने फेस मास्क वगैरह। एक ये हैं, ये रेडी टू गो हैं, ये दूसरी तरफ को जा रहे हैं, ये वाले जो हैं। यहाँ से जी हम करते हैं स्वागत ये डोली नंबर 3 का, ये हैंड कार समझ लें, इसको डोली कह लें जो भी है। आगे चलते हैं, अब ये वाले भी जाने लगे हैं और उसके सामने से भी अभी आ रही है।
दरमियानी चौक जो इस शहर का बड़ा, इसको क्रॉस करते हैं और चलते हैं दूसरी तरफ। ताने के लिए भी वो बनाई हुई है उन्होंने, खिड़की सी ना, उसको डाल के तारे ऊपर करते हैं और ये अपनी ट्राली को मोड़ते हैं। ये देखें स्टेरिंग भी है इसका, पूरी लकड़ी की बनी हुई है। यहाँ से आपको पूरे का पूरा मेला नजर आ रहा होगा, कितनी ज्यादा पब्लिक है ना। अलहदा से इस तरह की गाड़ी सामने ये लकड़ी की जो है ये तैयार की हुई है और इनका अलहदा ही यूनिफॉर्म है। ये देखें इसके भी अभी ऊपर बैठ रहे हैं, ये ऊपर भी इसके छतरी वगैरह आई थिंक खोलेंगे। बच्चे भी हैं, बच्चियां भी और बड़े भी हैं। ये देखें यहाँ से ऐसे वो सीढ़ी है, वहाँ से ऊपर जा रहे हैं। ये भी हाथ से ही चलाई जाएगी, इसके टायर भी लकड़ी के ही हैं। इंटरेस्टिंग सी लग रही है कमांडो यूनिफॉर्म, जैसे जंगली नहीं होते इंडोनेशिया से। वाह, ये भी अभी तैयारी पकड़ रहे हैं, बच्चे ऊपर जा रहे हैं। और ये पूरे के पूरे रोड ट्रैफिक के लिए बंद किए हुए हैं आज इन्होंने। और ये आ गया जी एक, इसके भी ऊपर अभी चढ़ रहे हैं, ये भी कैरी पकड़ रहे हैं अपनी। ये कितनी है यार, 8-10 तो मैं आ गया हूँ गुजर के। ये डिफरेंट है, ये देखें इसके साइड पे यूं लगाए हुए हैं ये गोल गोल। ये मेला है, इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत देर बाद हो रहा है ना। ये देखें यहाँ पे भी बड़े कैमरे लगे हुए हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स वाले भी आए हुए हैं, इसको रिकवर कर रहे हैं। ये देखें और ये भी देखें, वो सामने भी कैमरा लगा हुआ है बड़ा। ये अल्कोहल के लिए यहाँ पे बोटल्स रखी हुई हैं कि अपने हाथों को लगा के फिर अंदर जाएं मेले में। इस सड़क के साइडों पे जगह जगह रखी हुई हैं। ये भी आइसक्रीम की शॉप है कि फ्राइड चीज़ें मिल रही हैं यहाँ से। ये है जनाब मिशिमा सिटी का जो कह लें कि मेन इनका श्राइन है ये, और यहाँ से ये सारा शुरू होता है। ये सारी जो गाड़ियाँ लकड़ी की हम पीछे से क्रॉस करके आए हैं वो यहीं से गई हैं, यहाँ से तैयार होके। ये देखें यहाँ पे भी ये म्यूज़िक का और ये वो इन्होंने अपने वही लगाए हुए हैं ढोल वगैरह भी।
भी आई थिंक शाम को जरा ये और बजाएंगे। ये भी अभी जो सामने है ये बिल्कुल रेडी है, ये भी यहाँ से निकलेगी मेरे ख्याल में। ये देखें वो बच्चे ऊपर खड़े हुए हैं। ये देखिए बच्चों ने मास्क लगाए हुए हैं ऊपर। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। मैं अभी उनके ये उस श्राइन के अंदर आ गया हूँ जो इनकी मेन है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये अल्कोहल के लगाए हुए हैं इन्होंने कि अल्कोहल हाथों को लगा के जाएं। और ये देखें कितनी ज्यादा मछलियां इधर। और ये मैं सामने आपको एक मजे की चीज दिखाता हूँ। इन्होंने ये देखें बड़ा कैमरा लगाया हुआ है। ये कैमरा नहीं है बल्कि ये आपका टेम्परेचर चेक करता है बंदे का। ये देखें मेरा 36.6 आ रहा है। तो जिस बंदे को अगर फीवर होगा या कोई मसला होगा तो ये कैमरा जो है कह लें या जो भी ये टेम्परेचर चेक करने वाला है ये उसी टाइम अलार्म बजाना शुरू कर देगा और उस बंदे को यहाँ से इंटर होने नहीं दिया जाएगा। तो ये सारा का सारा कोरोना को कंट्रोल करने के लिए ही किया गया है। अच्छा जी, मैं अभी थोड़ा सा साइड पर आया हूँ यहाँ, और साइड पर आके मैंने मास्क नीचे किया है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे ही होता है जैसे हमारे पाकिस्तान में समझ लें दरबार वगैरह होते हैं, लोग दरबारों पे आते हैं और वहाँ पे मेले होते हैं और लोग चादरें चढ़ाते हैं और अपने अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए आते हैं। और सेम इसी तरह ही यहाँ इनके भी होता है, जो इनकी श्राइन्स होती हैं। ये मेरे पीछे भी ये श्राइन का ही एक हिस्सा है जहाँ मैं इस टाइम मंदिर खड़ा हूँ, लेकिन साइड पर खड़ा हूँ जहाँ कोई नहीं है क्योंकि मैंने मास्क नीचे करके वीडियो बनानी थी। तो ये भी ऐसे ही करते हैं, ये भी वो जो गाड़ियाँ सी हैं सारी की सारी ये लेके आते हैं यहाँ से, और फिर इस श्राइन से बाहर वो एक इनका एरिया होता है 1.5 किलोमीटर तक, उनको अपने हाथों से जो है ना पुश करके लेके जाते हैं और म्यूज़िक बजाते हैं। ये इनका कह लेंगे ट्रेडिशन है या इनका सकाफत भी है, और इनका ये मजहबी रसूमात भी ये है इनकी। तो ये इस तरह से है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दूँ। ये ना कि सिर्फ इनका कल्चर है बल्कि ये इनका मजहबी भी है, सेम जैसे हमारे यहाँ भी कल्चर भी होता है मेले वगैरह, और उसके साथ साथ हमारे मजहब के साथ भी वो रिलेटेड होता है मेला, क्योंकि वो किसी ना किसी दरबार के साथ रिलेटेड होता है और साथ ही वो कल्चर भी होता है, मौसम के साथ भी रिलेटेड होता है। तो लेट्स सी मोर, कम ऑन। ये देखें आज इन्होंने ये दरवाज़ा खोला है इस घोड़े का, वैसे ये बंद होता है। ये देखें घोड़े का मुजस्मा बनाया और ये इसमें ये पैसे डालते हैं। ये देखें जैसे कोई मन्नत वगैरह मांगते हैं, और ये देखें ये बच्चा भी लगा हुआ है अपनी प्रेयर कर रहा है। तो ये इनका ये देखें ये इनका मजहबी कह लें रसूमात भी हैं। वैसे ये बंद होता है डोर, आज ये खुला हुआ है। तो ये इस तरह अपनी प्रेयर करते हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं, वो सामने कोई तलवारबाजी का हो रहा है वो देखते हैं। यहाँ पर नेज़ाबाजी, लकड़ी की तलवारें बनाई हुई हैं जी इन्होंने, असली तलवारें भी हैं उनके पास। तेरी वीडियो मैं क्यों नहीं बनाऊं?
तो जनाब हम अभी बाहर आ गए हैं, वहाँ से निकल के उनकी जो शराइन है उसके अंदर का माहौल भी आपने देख लिया होगा। बहुत ज़्यादा रश है अंदर, तरह तरह के खाने के स्टॉल्स लगे हुए हैं। हम तो एक जूस वगैरह लेके पियेंगे, वो लेमन वाला जूस अभी आपने देखा होगा मज़े का, वो पीते हैं अभी। यार ये देखें, ये केलों का क्या बना के सेल करते हैं। केलों के ऊपर डिफरेंट कलर्स की ये चॉकलेट्स लगाते हैं, ये और उनको सेल करते हैं। बड़े मज़े के होते हैं यार। और ये गेटिंग रेडी फॉर देम टर्न। और ये नीचे आ रहे हैं अभी।
車窓から三島巡航地域までの大通りは左側一般通行になっております。また ये ड्रिंक बार बने हुए हैं जी, आज इन पे भी काफी रश है। ये स्टैंडिंग ड्रिंक बार है। इस बंदे का देखें कैसा आइडिया है, उसने छोटी सी शॉप है उस पे काउंटर लगाया है बाहर को, बाहर ही कस्टमर बैठ के वहां पे ड्रिंक करते हैं। ये या खड़े हो गए और चले जाते हैं, या थोड़ा बहुत खाने को देता है। अब शाम हो गई है, थोड़ा सा आपको शाम का दिखाते हैं, फिर आपको कल को दिखाएं। दोबारा से आ गए हैं जी अपने उसी मेन चौक में। पहले मैं घर चला गया था तो अभी वापस आया हूँ, तो अभी रास्ता खुलने लगा। ये पुलिस देखें खड़ी है, ये रास्ता खुल गया है। कितने ज्यादा लोग हैं यार, आज रश है फुल। उबले हुए आलू जी, और मायोनीज लगा के दे रहे हैं, इसमें बॉयल हो रहा है आलू।
जी तो जनाब, आपने आज का दिन का ये मेला देख लिया होगा, होप आपने इंजॉय किया होगा। तो मैं थोड़ा साइड पे आऊँ, ये पीछे है सारा वो मेन स्ट्रीट है जहाँ पे मेला है, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी रश है लेकिन उसकी नस्बत कम है। तो मैं अभी आपसे इजाज़त लेता हूँ, कल को हम दोबारा से मिलेंगे, लेकिन जो कल को जितने भी फेस्टिवल होंगे वो सारे डिफरेंट होंगे आज की नस्बत, कुछ नया होगा, तो हम कल को भी देखेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। तो अभी आप मुझे दें इजाज़त, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, बाय।